हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल सूद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आज की वीडियो मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ पर ये विंडो का बटन है, आप इसे राइट, लेफ्ट और टॉप पर कैसे लेके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जो विंडो का बटन है, आप इसे राइट, लेफ्ट या टॉप में कैसे सेट कर सकते हो। ये जो लाइन आ रही है ब्लू कलर की, आपको यहाँ पर माउस से राइट की प्रेस करना है। राइट की प्रेस करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। ये देखिए, ये बॉटम सेलेक्ट है क्योंकि ये बॉटम में ही है। मैं इसे लेफ्ट और अप्लाई करूंगा। ये देखिए, ये लेफ्ट में चला गया। उसी तरह इसे ठीक करने के लिए यहाँ पर इसकी जो ब्लू लाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे माउस से प्रॉपर्टी। अब मैं इसे टॉप पर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टॉप पर क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। देखिए, ये टॉप पर चला गया। सही करने के लिए, इसको वापस बॉटम में करने के लिए यहां पर मैं बॉटम में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, यहां पर लिखा होगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, अप्लाई, ओके। तो ये आज की वीडियो, देखिए ये नीचे आ गया विंडो बटन। तो ये आज की वीडियो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए थी। अगर आपको हमारे चैनल की आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।